साथियों, हमारा प्रयास है कि गांव का, गरीब का, किसान का, मध्यम वर्ग का जीवन सरल और सुगम हो। ये काम इतने बड़े स्तर पर इतनी तेजी से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 4.5 वर्ष पहले आप सभी ने एक मजबूत सरकार के लिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए अपने वोट का सदुपयोग किया था और इसके लिए आज ये सारे काम संभव है। आपने देश में ईमानदारी की व्यवस्था लाने के लिए अपना वोट दिया था। आपके उसी विश्वास पर चलते हुए बिचौलियों और गरीबों का हक लूटने वालों को सारी व्यवस्थाओं से बाहर कर दिया गया है। आज देश के हर ईमानदार को इस चौकीदार पर विश्वास है, लेकिन जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है। आप यहां हरियाणा में भी तो देख रहे हैं कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से कैसे कैसों का पसीना छूट रहा है। साथियों, महामिलावट के ये सारे चेहरे जांच एजेंसियों को, कोर्ट को धमकाने और मोदी को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। आप आश्वस्त रहिए, ये चौकीदार ना तो इनकी धमकियों से और ना ही इनकी गाली गलौज से डरने वाला है, नहीं रुकने वाला है और नहीं झुकने वाला है। देश को भ्रष्टाचारियों से और गंदगी से मुक्ति दिलाने का हमारा सफाई अभियान और तेज होने वाला है।